माहौल ऐसा बनाओ कि लोगों को माहौल याद रहे, रिजल्ट नहीं। दोस्तों, वरुण धवन की फिल्म बवाल को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए 3 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। वहीं आज हम बात करेंगे बवाल फिल्म के 3 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म ने अपने 3 दिनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कितने करोड़ रुपए की कमाई की और क्या फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा कमाई कर अपने बजट को रिकवर कर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिट हुई या हुई फ्लॉप। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताया, इस फिल्म में आपको वरुण धवन के साथ जाह्नवी कपूर लीड रोल में दिखाई दी थी। वहीं फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफी यूनिक स्टोरी होने की वजह से इस फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने 4.5 स्टार रिव्यू दिया और फिल्म को काफी जबरदस्त रिस्पांस मिलने की वजह से फिल्म ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई, जिस वजह से फिल्म ने अपने पहले दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही काफी बड़ा धमाका किया और लगभग 7 करोड़ 21 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई की, जिस वजह से इस फिल्म के दूसरे और तीसरे दिन के ओटीटी कलेक्शन में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही और फिल्म की काफी अच्छी व्यूअरशिप बढ़ने की वजह से माना जा रहा था फिल्म अपने दूसरे दिन काफी ज्यादा ग्रोथ पाएगी और ऐसा ही हुआ, क्योंकि फिल्म ने दूसरे दिन काफी जबरदस्त ग्रोथ पाते हुए 8 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए। वहीं फिल्म को रिलीज हुए आज 3 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और बवाल फिल्म का काफी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ होने की वजह से फिल्म अपने तीसरे दिन यानी आज काफी अच्छी फिर से ग्रोथ पाते हुए 8 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे वरुण धवन जाह्नवी कपूर की फिल्म बवाल का 3 दिनों का टोटल ओटीटी कलेक्शन 24 करोड़ 51 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा। वो फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए है, जिस वजह से फिल्म अपने आधे बजट को रिकवर कर लेगी। लेकिन अगर फिल्म को हिट होना है तो फिल्म को लाइफ टाइम कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करनी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बवाल फिल्म लाइफ टाइम कितने करोड़ रुपए की कमाई करेगी, 50 करोड़ 75 करोड़ या 100 करोड़? इसी के साथ आपको क्या लगता है, फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिट होगी, सुपर होगी, ब्लॉकबस्टर होगी या हो जाएगी फ्लॉप? आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताओ। डिसन आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल कलेक्शन टेक को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।